सो हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ रामबाग पत्थर चट्टी प्रयागराज में, जो है अपने रामबाग में है। यहाँ पे रामलीला का मतलब जो बनाया जाता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है मैं आप लोग को दिखाऊंगा। काफ़ी फेमस जगह ही है और यहाँ पे बहुत लोग ढेर सारे आते हैं रामलीला जब उस टाइम लगता है देखने के लिए। तो आज का कैसा सीन है मैं आज दिखाने वाला हूँ रामलीला के बाद, यहाँ पे लोग कैसे मतलब आते हैं कि नहीं आते यहाँ पे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में, ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं दिखाता हूँ, ये मेरा कुछ बैकग्राउंड है अभी तो मेन बाकी है अभी पूरा, मैं चलता हूँ आगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है पत्थर चट्टी रामलीला प्रयागराज, रामबाग में है ये, जो मैं चल के अंदर आप लोग को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं घूमने टहलने के लिए। काफ़ी फेमस जगह है कि यहाँ पे रामलीला मनाया जाता है और प्रदर्शनी टाइप लगाया जाता है, इधर देखने को मिलेगा और इधर से भी। और यहाँ पे है तान पात्र, मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ से भी कितनी खूबसूरत में सजाया गया है। यहाँ पे होता है, देखिए चल रहा हूँ आगे, पूरा टूर कराने वाला हूँ। यहाँ पे सभी लोग आते हैं, सिंगल मिंगल कपल्स सब कुछ। तो आगे चलता हूँ, यहाँ पे देखिए हाथी रखी गई है और कितने खूबसूरत में बनाई गई है, आप देख सकते हैं कितने भीड़ दूर दूर से लोग। और इधर पे कृष्ण जी का जो पहाड़ है वो भी रखा गया है यहाँ पे, अभी पेंटिंग वेंटिंग चल रहा है यहाँ का पूरा। तो ये जो लगाया जाता है ये रामलीला के समय में लगाया जाता है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है यहाँ पे। भाई अंदर फोटो अलाउ नहीं है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि पता लगे मोबाइल वोबाइल जब्त कर लें। और फिर यहाँ से आपको मिलेगा, ये देखिए ये सीढ़ी है, सीढ़ी से मैं चढ़ता हूँ वहाँ पे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। काफ़ी श्रद्धालु आते हैं अपना जो करना वो करते हैं, फिर वहाँ से फिर यहाँ से देख सकते हैं राम लक्ष्मण सीता का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और मैं आगे चलता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। और जो ये है देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कितने अच्छे में सजाया गया है। और यहाँ से इस टाइप का है, प्रॉपर बारह लगाया लेकिन ये यूज नहीं हो रहा। और यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता का मंदिर है, यहाँ पे लिखा है श्री राम दर्शन। और इधर भी है, उधर से आप जाएंगे तो यहाँ पर भी है सेम, जस्ट उस साइड है, जस्ट इस साइड एकदम सेम आपको देखने को मिलेगा। और आपको फिर यहाँ से निकलेंगे, इधर आपको मिल जाएगी हनुमान जी बंदर, उनके सारे सेना मिल जाएंगे इधर से। तो काफ़ी अच्छे लुक में दिया गया है यहाँ पे, आप भी आगे घूम सकते हैं, दिखा सकता मैं यहाँ से पूरा घुमा के। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत में बनाया गया है। और यहाँ पे आके लगता है कि हाँ हम आए हुए हैं कहीं पे। तो शाम का टाइम है, जिससे संडे मंडे होता है, जिसको पूजा पाठ करनी होती है वो आता है यहाँ पे। और बहुत तो मतलब कि एकदम जो जैसे ताजमहल जिस चीज़ से बनाया गया है संगमरमर से, सेम उसी चीज़ से यह भी बनाया गया है। और यहाँ से कुछ इस तरह से देखने मिलेगा। और जो रामलीला होता है, रामलीला यहीं पे होता है। और यहाँ पे देखिए चौथा पूरा लगा है, मतलब भी निकला हुआ, और वो जो है पूरा पहाड़ है, हिमालय पहाड़ जैसा बनाया गया है। वहाँ पर भी सभी देवताओं का बनाया गया है स्टैचू। तो इस तरह का कुछ होता है यहाँ पे, दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पे सभी टाइप के, और जो मंदिर है इसके अंदर भाई सभी लोगों का
स्टैचू रखा है, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, इसलिए मैंने गया नहीं वहाँ पे। क्योंकि अगर मैं वहाँ गया फ़ोटो खींच लिया, मान लीजिए कुछ हो गए, इसलिए तो अभी मैं चलता हूँ, अपना स्लीपर लेता हूँ वहाँ से, फिर यहाँ से लेके फिर निकलता हूँ। ठीक है दोस्तों, हम दिखा चुके पूरा यहाँ पे कैसा सेटअप था, यहाँ पे क्या था और क्यों लोग आते हैं इतना यहाँ पे। भाई यूनिक तरीके से बनाया गया है पूरा चीज़, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो ये देखिए मेरे पीछे दिख रहा होगा आप लोग, पूरा स्ट्रक्चर यही सब का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग भी आते जाते रहते हैं यहाँ पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर है ताकि मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे आपके पास।